तो हेलो गाइस, आज हमारे पास है सुजुकी एस्प्रेसो। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में रिव्यू करेंगे कि इस पे आपको क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। तो चलेगा, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको इसका की दिखाना चाहता हूँ कि इस पे आपको ऐसा नॉर्मल सा की मिलता है जहाँ पे आपको लॉक और अनलॉक का दो बटन देखने को मिलता है। तो पहले तो आप लोग इसका जो फ्रंट लुक है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो अगर हेडलैम्प यूनिट की बात करें तो यहाँ पे आपको हेलोजन हेडलैम्प यूनिट देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको यहाँ पे इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और इस वाले वेरिएंट पे आपको जो है फॉग लैंप का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो ऐसा है इसका फ्रंट का पूरा लुक। और नीचे अगर बम्पर की बात करें तो बम्पर का लुक आप लोग यहाँ से देख सकते हो। और बोनेट पे आपको यहाँ पे एक ही वॉशर देखने को मिलता है, जो कि इसका विंड स्क्रीन भी छोटा है तो इसीलिए उसके हिसाब से तो ये अच्छा है, तो अच्छा थ्रू आपको ये दे देता है। और इस पर आपको जो है ORVM से वो आपको बॉडी कलर नहीं बल्कि ब्लैक फिनिश पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और अगर हम लोग इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसका जो पूरा डायमेंशन है वो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो अगर हम लोग इसकी व्हील साइज की बात करें तो यहाँ पे आपको 14 इंच की स्टील रिम्स देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको कंपनी फिटेड व्हील कवर देखने को मिल जाता है। और पीछे का टायर का साइज़ भी आपको सेम ही देखने को मिल जाता है। और इसके जो डोर ओपनर है वहाँ पे भी आपको जो है बॉडी कलर ही जो है ब्लैक कलर पे ही आपको जो है इसका लुक देखने को मिल जाता है। तो एक बार कंप्लीट ओवर व्यू आप लोग यहाँ से ले सकते हो। तो अब जाते हैं इसकी बैक प्रोफाइल की ओर। जैसे आप लोग इसका लुक यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे आपको एस्प्रेसो की बैचिंग मिल जाएगी। और यहाँ से खोलेंगे बूट और यहाँ पे आपको एक क्रोम लाइनिंग भी जरूर से देखने को मिल जाता है। टेल लैम्प की बात करें तो यहाँ पे आपको शी शेप पे जो है इसका टेल लैम्प का डिज़ाइन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नीचे इसके रिफ्लेक्टर्स और यहाँ पे आपको दो पार्किंग सेंसर्स, जिसका प्लेसमेंट एक यहाँ पे और एक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो पीछे का लुक आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि VXi मॉडल है। और इस वाले वेरिएंट पे आपको जो है डिफॉगर, रियर वाइपर जैसे फीचर्स आपको नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे आपको ज़रूर से हाई स्टॉक लैंप और आपको एंटीना देखने को ज़रूर से मिल जाता है। तो अब हम अंदर चलते हैं और अंदर से बात करते हैं कि इस पे आपको कैसा कुछ फीचर्स मिलते हैं। तो पहले हम गाड़ी को कर लेते हैं अनलॉक। तो रियर डोर की लुक आप लोग यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से आपको जो है विंडो है वो आपको ऐसे हाथ से ही मैन्युअली ओपन करने होंगे, जो पीछे के विंडो है। और यह है इसका डोर ओपनर। यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस और यहाँ पे एक आपको ग्रे फिनिश पे एक फिनिश आपको यहाँ पे दिया गया है, जो कि डोर की लुक को एनहेंस करता है। और पीछे का सीट का लुक आप लोग यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे आपको दो फिक्स हेडरेस्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। तो हम अंदर बैठ के बात करते हैं कि यहाँ पे आपको कैसा फीचर्स मिलता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो, मेरा हाइट 5'11" है, तो उसके हिसाब से आप लोग स्पेस देख सकते हो। मेरे पास करीब इतना स्पेस बचता है। थाई सपोर्ट भी डिसेंट है और हेडरूम तो यहाँ पे भर भर के हैं, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ऊंचा है। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा हेडरूम देखने को मिल जाता है। और पीछे के जो ग्रैब हैंडल्स हैं वो आपको ऐसा फिक्स मिलते हैं, ऐसा इसका। तो ऐसा इसका लुक है। अगर फ्रंट की डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ से आप लोग इसका डैशबोर्ड का लुक ले सकते हो। तो हम अंदर आगे जाके बात करते हैं कि इस पे आपको कैसा फीचर्स मिलता है। तो पहले हम इसको इसका जो है फ्रंट डोर खोल लेते हैं। और यहाँ पे आपको इसे ही जो है आपको ये आपका ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। तो फ्रंट डोर का लुक आप लोग यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे बॉटल होल्डर, मैगजीन स्पेस, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत स्पेस। और यहाँ पे जो फिनिश मैं आपको बोल रहा था पीछे भी है, तो वही लुक सामने भी अप्लाई होता है। तो सामने का जो सीट है वो आपको 4-way मैनुअली एडजस्टमेंट के साथ आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको फिक्स हेडरेस्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट का ऑप्शन आपको फ्रंट सीट पे भी नहीं मिलता। तो पहले हम कर लेते हैं सीट को फुल पीछे। तो अब हम अंदर बैठ के बात करते हैं कि इस पे आपको कैसा कुछ फीचर्स मिलता है। तो पहले तो हम गाड़ी के दरवाजे को कर लेते हैं बंद। और यहाँ पे एक चीज़ जो आते ही आपको फील होगा वो है इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जो कि यहाँ पे नहीं बल्कि सेंटर पे है। तो इसको अभी मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ओके, तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल, इसका कोई एनिमेशन वगैरह नहीं है, डायरेक्ट ही पूरा जो है ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको ऊपर स्पीडोमीटर और यहाँ पे सारे वार्निंग साइंस और बीच पे आपको एक MID भी जरूर से देखने को मिल जाता है। इन्फोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपको 2DIN का एक म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको बहुत सारे फंक्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सारे फंक्शंस आपको स्क्रीन पॉज करके देख सकते हो। और इसके जो पावर विंडो कंट्रोल्स हैं वो आपको सामने के दो विंडो पावर्ड हैं, तो उसको आपको कंट्रोल यहाँ से करना होगा।
यहाँ से आप लोग इसको खोले बंद कर सकते हो, जो इसका ऑपरेशन आप लोग यहाँ से करना होगा सेंटर पे है। और यह है इसका हजार्ड लैंप का स्विच, और यहाँ पे आपको तो यहाँ से आप लोग इसका जो है एसी का लुक आप लोग देख सकते हो। नीचे है तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट देखने को मिलता है, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत स्पेस, यहाँ पे दो कप होल्डर्स, और यह है इसका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर, जिसका रिवर्स पार्किंग सेंसर की बात करें तो ऐसा बीप करता है। और अब जितना एक चीज़ के पास जाते रहोगे आपको उतना ये बीप नॉइस सुनाई देगा। तो अगर सन ब्लाइंड्स की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता ड्राइवर साइड पे, और को ड्राइवर साइड पे भी आपको कुछ नहीं मिलता। और यहाँ पे आपको मिलता है एक IRVM, यह है इसका सेंटर लाइट, यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स, और ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे नहीं मिलता, बल्कि यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत स्पेस मिलता है जहाँ पे आप मोबाइल फोन्स, छोटे मोबाइल फोन्स आप लोग जरूर से यहाँ पे रख सकते हो। एसी वेंट्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपको एसी वेंट देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं ज़रूर इसमें इंक्लूड करूँगा कि इस पर अगर ये गाड़ी जितनी भी छोटी हो, आपको जो है जो इसका जो बोनट आप लोग, ये मेरा आई व्यू है, मैंने आई के लेवल पे कैमरा पकड़ के रखा है, तो आप लोग देख सकते हो पूरा जो सामने का बोनट है वो आपको दिखता रहता है, तो आपको एक SUV वाली फीलिंग ज़रूर से इसमें आने वाली है। तो आई होप गाइस इस पे आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर ऐसे ही वीडियोस आपको और देखने हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।